वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ मॉडर्न लिविंग रूम मेकओवर। इस मेकओवर को मैं विदाउट फर्नीचर कंप्लीट करने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ही सिंपल कुछ DIYs भी प्लान किए हैं, जिनकी हेल्प के थ्रू आप भी अपने रूम के किसी भी कॉर्नर को मॉडर्न लुक दे सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट के साथ। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। मैं अपने रूम का ये कॉर्नर ले रही हूँ मॉडर्न लिविंग रूम मेकओवर करने के लिए। आप भी अपने रूम का कोई भी कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं। लो सिटिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंगल मैट्रेस का यूज़ कर रही हूँ। मैट्रेस को कवर करने के लिए मैं वाइट कॉटन फैब्रिक ले रही हूँ। अब हम कुछ मिनिमल कलर के कुशन्स ऐड करेंगे और साथ में DIY बोहो कुशन भी। अब हम सिटिंग के ऊपर की वॉल के लिए कुछ DIYs करेंगे। सबसे पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पे A3 साइज़ में जूट शीट ली है। ये आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगी। साथ ही मैं कुछ कलर्ड जूट शीट भी यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस ले रही हूँ, जिसकी लेंथ 16 इंचेस और विड्थ 6 इंचेस है। शीट को कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के लिए मैं इसको बीच में से कट करूँगी। कार्डबोर्ड के साइज से हमें शीट को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है, जो हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे। कार्डबोर्ड के साइज से जो शीट एक्स्ट्रा है उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। शीट को कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ और एडहेसिव भी यूज़ कर सकते हैं। शीट को कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ DIY करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे कलरफुल शीट का यूज़ करूँगी। कार्डबोर्ड की विड्थ के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं तीनों कलरफुल शीट की 3 सेंटीमीटर में स्ट्रिप्स कट करूँगी। तीनों कलर की स्ट्रिप्स को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम कुछ और भी कटिंग कलरफुल शीट्स के ऊपर करेंगे। येलो और पीच कलर की शीट का मैं सेमी सर्कल यूज करने वाली हूँ। ऑरेंज कलर की शीट का मैं फुल सर्कल यूज करूंगी। कार्डबोर्ड के ऊपर सबसे पहले मैं कलरफुल स्ट्रिप्स को पेस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद हमने जो सर्कल और सेमी सर्कल कट किए हैं हम उनको पेस्ट करेंगे। कार्डबोर्ड की आउटिंग के लिए मैं यहाँ पे जूट का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगा। बॉर्डर पेस्ट करने के बाद अब हम नीचे हैंगिंग्स लगाएंगे, जिसके लिए मैं ये जूट रोप ले रही हूँ। रोप को 4 इंचेस के साइज में मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करूँगी। सभी रोप पीसेस को कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के बाद अब मैं इनके ब्रीड्स को खोल रही हूँ। नेक्स्ट DIY में हम रेनबो बोहो वॉल हैंगिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैं कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। कार्डबोर्ड पर मैं डिफरेंट साइज़ की 3 रेनबो को ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड पर 3 डिफरेंट साइज़ के रेनबो को ड्रॉ किया है। अब मैं इनको कट कर लूँगी। और ये हमारे 3 साइज़ के रेनबो कटआउट्स रेडी हो गए हैं। DIY करने के लिए मैं यहाँ पे 3 कलर की वूल को यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग वूल के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इनको ग्लू गन की हेल्प से मैं कार्डबोर्ड के ऊपर कवर करूँगी। और ये हमारा पहला रेनबो कटआउट रेडी हो गया। अब मैं दूसरे कटआउट पर वूल को कवर करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपको थोड़ा बड़ा वॉल हैंगिंग बनाना है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड के पीसेस और ज़्यादा भी ले सकते हैं।
और ये हमारे तीनों कटआउट्स कवर हो गए हैं। वूल को कवर करने के बाद अब मैं ऑफ वाइट कलर की यहाँ पे टेसल्स बनाऊंगी जिनको मैं कार्डबोर्ड के नीचे हैंग करूंगी। ग्लू गन की हेल्प से सबसे पहले मैं रेनबो के तीनों कटआउट्स को एक साथ पेस्ट करूंगी। तीनों कटआउट्स को पेस्ट करने के बाद अब दोनों कॉर्नर पर मैं एक एक टेसल्स को पेस्ट करूंगी। और ये हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। हैंग करने के लिए मैं जूट रोप को पीछे पेस्ट कर दूंगी। आप भी इस DIY को बहुत ही इजीली अपने घर में बना सकते हैं। नेक्स्ट DIY में हम बोहो मिरर बनाएंगे जिसके लिए मैं छोटा मिरर ले रही हूँ। मिरर के ही साइज का मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड कट किया है। कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जूट रोप ले रही हूँ। इसको हम 5 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। रोप की मैंने सभी पीसेस को कट कर लिया है। कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है जिसके ऊपर मैं ग्लू गन की हेल्प से रोप को फोल्ड करके पेस्ट करूँगी। कार्डबोर्ड के चारों तरफ मैं जूट रोप के पीसेस को ऐसे ही पेस्ट करूँगी। रोप को चारों तरफ पेस्ट करने के बाद अब मैं दो लीफ के बीच में एक और जूट रोप को पेस्ट करूंगी। और ये हमारा फ्लैट शेप में कार्डबोर्ड का पीस रेडी हो गया है। अब इसके फ्रंट साइड में हम मिरर को पेस्ट कर देंगे। मिरर को बीच में पेस्ट करने के बाद अब कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए मैं चारों तरफ भी जूट रोप को पेस्ट करूंगी। और ये हमारा सुपर इजी बोहो DIY मिरर रेडी हो गया है। आप मिरर के साइज के अकॉर्डिंग इसको बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए हम मॉडर्न पेंटिंग बनाएंगे जिसके लिए मैं A4 शीट ले रही हूँ। मैंने शीट पर पहले कोई भी पैटर्न ड्रॉ नहीं किया था, मैं फ्री हैंड कलरिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न पेंटिंग को सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉ और कलर कर सकते हैं। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक कलर का यूज़ किया है। कलर की चॉइस भी मैंने वही रखी थी जो मैंने वॉल हैंगिंग्स बनाने के लिए यूज़ किए थे। मोस्टली यही कलर हम लोग बोहो मेकओवर या मॉडर्न मेकओवर में देखते हैं। और ये हमारी दोनों एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रेडी हो गई हैं। इन पेंटिंग्स की आउटिंग के लिए मैं यहाँ पे कुल्फी स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। इनको मैं बीच में से नाइफ की हेल्प से कट करूँगी, उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको एज अ फ्रेम की तरह से पेस्ट कर दूँगी। अगर आपको इनका ऐसे बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है तो आप इनको फ्रेम भी करा सकते हैं। और ये हमारी आउटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से ही मैं दूसरे पीस को भी रेडी कर लूँगी। दोनों पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आप बहुत ही इजीली इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। सभी DIYs को हैंग करने के लिए मैं 3 mm टेप का यूज़ कर रही हूँ।
ये वॉल कंप्लीट हो गई है, अब हम सेकंड वॉल के लिए भी कुछ DIY करेंगे। नेक्स्ट DIY में हम फैब्रिक बो हैंगिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैं कैनवास फैब्रिक ले रही हूँ, जो आपको इजीली किसी भी फैब्रिक शॉप पर मिल जाएगा। फैब्रिक को ग्लू गन की हेल्प से मैं चारों तरफ से फोल्ड कर दूंगी। A4 साइज शीट पर मैं ट्रॉपिकल लीफ को ड्रॉ करूंगी, इसके बाद मैं फैब्रिक के ऊपर उसको ट्रेस करूंगी। अगर आपको ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी हो तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। लीफ मैंने ड्रॉ कर ली है, अब हम इसको कट करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 3 ट्रॉपिकल लीफ को फैब्रिक पर ट्रेस करने वाली हूँ, उसके बाद हम उसमें कलर फिल करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 लीफ को ट्रेस किया है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। लीफ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। लीफ में लाइट ग्रीन शेड देने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा व्हाइट कलर मिक्स किया है। और ये हमारा ब्यूटीफुल फॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। दोनों वॉल्स की DIYs कंप्लीट हो गई हैं, वॉल्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब हम नीचे कॉर्नर को डेकोरेट करेंगे। कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए मैं वुडन स्टूल का यूज़ कर रही हूँ, और साथ में हम कुछ डेकोर पीसेस को ऐड करेंगे। एंड में हम लोग रग ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हमारा आज का मेकओवर कंप्लीट होता है। About today's video. I'm sure आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इन सभी DIY से आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे, जिनकी हेल्प के थ्रू आप भी अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। इन सभी DIYs में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।